है पब्लिक, मेरे को नहीं मालूम घर पे बैठी है पब्लिक, बट एनीवेज ये वीडियो मुझे एक्चुअली रिएक्ट इसलिए करना था क्योंकि आई वांट टू एड्रेस अ स्पेशल रीजन एज टू व्हाई साइमन सेज डज नॉट लाइक अब्यूजिंग। साइमन सेज को गाली क्यों नहीं पसंद है यार? चलो मेरे को समझ में आती है कि क्या व्हाट ही व्हेन ही मेड दिस वीडियो, मुझे इतना क्लियरली समझ में आ गया था कि साइमन सेज वाज ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट कि तुम्हें गाली दे के ही कंटेंट को एक्चुअली फनी बनाने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि कैरी मिनाटी के फॉलोअर्स, लक्ष्य चौधरी के फॉलोअर्स, डैंक रिश्यू के फॉलोअर्स, दे लव इट। बिकॉज मेरे को देखो, मैं भी पहले कंटेंट ऐसा बनाता था जिसमें गाली नहीं होती थी और आई वॉज रियली अनकंफर्टेबल इन एक्चुअली अब्यूजिंग इन। मैंने एक वीडियो बनाई थी बट उसके बाद धड़ाधड़ मैंने 40 वीडियो 50 वीडियो बनाए जिसमें मैंने गाली नहीं दी। ये तब की बात है जब मैं क्रिंज कंटेंट बनाता था, बट जैसे मैंने अपना कंटेंट चेंज किया आई फेल्ट कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ इन गाली। और यार गाली इज लाइक इट्स अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी आर यू कॉमेडी मी बिकॉज मेरे को फ्रस्ट्रेशन अगर ये करना है तो मैं बार बार अपने वीडियो में ये नहीं बोलूंगा आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे मेरी गाली निकल जाती है ठीक है। और जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मेरा टेम्पर हाई हो जाता है तो मैं डेफिनेटली गाली दूंगा। ये मेरा पर्सनल वे ऑफ रिएक्टिंग है। अब साइमन सेज डज नॉट वॉन्ट रिएक्ट इन दैट वे एंड उसका जो सार्काज्म है एंड द टाइप ऑफ इन द लेवल ऑफ ह्यूमर इट इज एंड द मीम्स दैट ही ब्रिंग्स एंड यू नो देर इज सम वॉट डार्क ह्यूमर देन देर इज पॉलिटिकल रेफरेंस मेड, इट इज अनबिलीवेबल। आई लव इट, आई लव इट एंड टू ईच हिज ओन। मैं ये बोलना चाहूंगा साइमन सेज को कि हाँ 2020 में भी लोग गाली देके उसको ह्यूमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2021 में भी लोग वही कर रहे हैं, 2022 में भी वही करेंगे। जब तक कैरी मिनाटी का कंटेंट जिंदा रहेगा वो वही करेगा, जब तक लक्ष्य चौधरी का कंटेंट रहेगा वो वही करेगा, जब तक डैंक ऋषि रहेगा वो तो डेफिनेटली वही करेगा, उसको तो कोई उंगल कर भी नहीं सकता, वरना कंटेंट चौकीदार, हवालदार, जमादार, मकानदार, दुकानदार सब बना देगा वो। तो इट इज प्रीटी मच क्लियर व्हाई व्हाई शुड इज गाली नेसेसरी, दैट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन इन अ कंटेंट। देखो गाली देना जरूरी नहीं है बट इट जनरेट्स अ गुड अमाउंट ऑफ ऑडियंस। अभी कैरी मिनाटी का वीडियो ही देख लो यार, मोस्ट लाइक वीडियो इन यूट्यूब हिस्ट्री यार। क्यों क्यों किस खुशी में? हाँ तुम टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे थे बट कैरी मिनाटी ने गंदी तरीके से बजाई है, गांड मारी है उस वीडियो में, ये तो मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, गांड मारी है। तो जो साइमन सेज ने भी वो वीडियो देखी, शायद एंजॉय भी करी होगी, डेफिनेटली एंजॉय करी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार उस कंटेंट को दबाया जा सके। इट्स द वे ऑफ नेचुरल एक्सप्रेशन एंड यूट्यूब अलाउज इट। अगर यूट्यूब अलाउ नहीं करता, अगर अगर मैं तो ये बोलूंगा अगर साइमन सेज के अंडर होता तो शायद वो अलाउ नहीं होता, या फिर ही वुड अलाउ इट। बट एनीवेज टू ईच हिज ओन। साइमन सेज का ये अपना ओपिनियन है, ये मेरा अपना ओपिनियन जो मैं करना चाहता हूँ। अगर ज्ञानी वीडियो बनाता है वो भी गाली देता है, इट इज लाइक इट इज प्रीटी मच क्लियर पीपल आर लाइकिंग इट। अगर लाइक नहीं करते तो उसपे यू नो नीचे ही कमेंट सेक्शन में ऐसी गालियां नहीं भरी होती, नीचे ही कमेंट सेक्शन में सी इट 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 मैं बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी शेमिंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमर, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू साइमन सेज। सो इट इज ओके, इट इज प्रीटी मच ओके। बट टू टॉक अबाउट इट, साइमन सेज आई लव यू, आई रियली लव योर कंटेंट, आई हैव बीन वॉचिंग योर कंटेंट एंड प्रॉबली यू इंस्पायर्ड मी फ्रॉम टू चेंज माई कंटेंट इन टू रिएक्शन वीडियोज। बट इट इज प्रीटी मच क्लियर कि यू मेक अ कंटेंट डिफरेंटली, कैरी मिनाटी मेक्स अ कंटेंट डिफरेंटली एंड वी बोथ लव, आई एम सो सॉरी, वी लव यू बोथ। उल्टा बोल दिया मैंने भाई, पैसिव वॉइस की माँ की। एनीवेज सो ये था मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हेट देना तो डिसलाइक बटन दबा के करो। एंगेजमेंट बढ़ाओ, मुझे डिसलाइक से फर्क नहीं पड़ता बट व्यूज से फर्क पड़ता है, वॉच टाइम से फर्क पड़ता है। 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे तो वॉच टाइम से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, कल तक के लिए बाय, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब।